सीरियल अलादीन नाम तो सुना होगा में जश्न की तैयारियां चल रही हैं और आज शहजादी यास्मीन का ही बोलबाला है। आज शहजादी ने एक ऐसा ऐलान किया है जिससे सुनकर पूरे बगदाद वासी तो खुश हैं, लेकिन जफर के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। दरअसल शबे बारात की रात का होने वाला है आगाज, जो किसी जश्न से कम नहीं है, और यास्मीन ने इसी जश्न को बड़े ही उल्लास के साथ सेलिब्रेट करने का फैसला किया है। आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल शबे बारात पर इस खास मौके और खास बनाने चलिए सीधे चलते हैं शहजादी के पास और जानते हैं इस पूरे सीक्वेंस की डिटेल्स। बहुत ही खास दिन आने वाला है, खास रात आने वाली है बगदाद के लिए, सब लोगों के लिए। सो यास्मीन चाहती है कि हर जगह खुशी रहे और जो भी आवाम है उनकी सब खुश रहे, और इसमें वो ज़फ़र को इंक्लूड करना चाहती है बिकॉज़ उन लोगों का एक प्लान है जिसमें हम थोड़ा ज़फ़र को डिस्ट्रैक्ट करेंगे और शेख जिनों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। शहजादी यास्मीन ने इस खास मौके की अहमियत भी बगदाद वासियों को समझाई। शबे बारात पूरे साल में सिर्फ एक बार आती है, और इस पाक रात को अगर कोई 24 घंटे तक रोजाई माफी रखे और उसके बाद अगर कोई सच्चे दिल से माफी की दुआ मांगे तो ऊपर वाला उसी गलतियों को माफ कर दे। वैसे इस जश्न के बहाने अलादीन और यास्मीन जफर को भी सबक सिखाने की प्लानिंग कर रहे हैं। शहजादी को इस बात की पूरी जानकारी है कि मेहनत मजदूरी से जफर को कितना परहेज है, और जफर को इन कामों में इन्वॉल्व कर यास्मीन उन्हें तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगी। डेफिनेटली परेशान तो है ही वो, बट एट दी एंड ऑफ द डे उन्हें बात तो माननी पड़ेगी ही बिकॉज वो शहजादी हैं और वो जो हुक्म देती हैं वो मानना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। तो वो वजीर हैं और उन्हें अपने बगदाद का भला ही सोचना होता है हमेशा। सो राइट नाउ ही स्टक इन अ सिचुएशन, कुछ कर नहीं पाएंगे और उन्हें बात माननी पड़ेगी। यास्मीन और अलादीन का तो सिर्फ एक ही मकसद है, जफर को उसके किए के लिए सजा दिलाकर उससे बदला लेना, जिसके लिए ये दोनों हर टेढ़ी चाल चलने को तैयार हैं। एक्चुअली जब से मुझे सच पता चला है तब से यास्मीन बहुत गुस्से में है और वो बस चाहती है कि कुछ ना कुछ करके हमेशा जफर, यू नो, उसको पेन हो या कुछ हो, बस शी जस्ट वांट्स रिवेंज राइट नाउ। तो हर पॉसिबल वे में वो लेना चाहती है रिवेंज जफर से। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। और बहुत ही मस्ती वाला, बहुत ही मजाक वाला सिचुएशन भी है जहाँ पे हमेशा हम जफर को परेशान करते रहते हैं और उनके साथ मजाक करते रहते हैं। वेल, यास्मीन और अलादीन ने बिछा दिया है जाल, अब आगे क्या होगा वजीर आला का हाल ये जानने के लिए कीजिए हमारी नेक्स्ट अपडेट का इंतजार। मुंबई से शिल्पा पाचल की रिपोर्ट, E24।